आप सबका स्वागत है। ग्लैमर और कला दो ऐसी चीजें हैं जो आपस में कहीं भी मेल नहीं खाती, बिल्कुल अलग अलग हैं। लेकिन कहीं इनका रिश्ता आपस में जुड़ा हुआ भी है। जब आप कला के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं और पहचान बनने लगती है तो ग्लैमर अपने आप सामने आ जाता है। हमारी आज की मेहमान जो है उनके साथ भी कुछ ऐसा ही है कि उनकी कला पर कहीं ग्लैमर का रूप ज्यादा दिखता है, लेकिन सही मायनों में वो एक कलाकार हैं और कला ही उनका असली उद्देश्य है जिसने लोगों तक उनको पहुंचाया है। जी हाँ, हमारी आज की मेहमान है सुनीता राव। सुनीता पॉप की दुनिया का एक जाना माना नाम है, लेकिन उनके गले से निकले सुर किसी खास स्टाइल के मोहताज नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि उनको पहचान एक पॉप सिंगर के रूप में ही मिली है, लेकिन ये पहचान हासिल करना भी कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि आज इस क्षेत्र में भी अच्छा खासा संघर्ष है और उसके बीच मनोबल बनाए रखकर चलने की हिम्मत बहुत जरूरी है। ये दमखम सुनीता में है जो उन्हें भीड़ से अलग करता है। आइए मिलते हैं सुनीता राव से और जानते हैं कि कला की दुनिया में आगे बढ़ते समय उनके कदमों को कौन सी चीज है जो हौसला देती है। सुनीता स्वयं में आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले ये बताइए कि मैं एक परी से बात कर रही हूँ या आप धरती पर रहने वाली एक गायिका हैं? वैसे मैं स्वर्ग से अभी अभी उतर आई हूँ आपके साथ बातचीत करने के लिए। वापस जाने का इरादा है हमें यहाँ छोड़ के? बिल्कुल। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। अच्छा सुनीता, ये बताइए, परी आपका जो गाना था परी हूँ मैं धुआं एल्बम में से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और मैगजीन्स ने इसके बाद आपको परी का खिताब दिया, कैसा लगा आपको? वैसे तो जब हम बच्चों को सुलाते हैं तब हम परी वाले गाने गाते हैं और चिल्ड्रन आर वेरी क्लोज टू माय हार्ट, तो ये एक अच्छी बात है। और जो मैं इतने सालों से कर रही हूँ, अगर लोग मुझे इस तरह से याद करें तो अच्छा ही लगेगा। सुनीता, आपको एथनिक पॉप जिसे कहा जाता है, इंडियन पॉप, उसको आगे बढ़ावा देने का श्रेय दिया जाता है, एक नई दिशा देने का श्रेय दिया जाता है, इसके बारे में हम बताएंगे। आप हमें, हमारे दर्शक ज़रूर जानना चाहेंगे कि ये एथनिक पॉप होता क्या है। वैसे पॉप म्यूज़िक का अर्थ जो है वो है जो जो रीजन होती है उस रीजन का म्यूज़िक बड़े वेस्टर्न प्रोडक्शन वैल्यूज़ के साथ मिलजुल करना। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ पॉप। तो अगर मैं इंडियन पॉप कर रही हूँ तो इंडिया की जो एथनिसिटी है वो तो आएगी ही, एंड दैट इज़ वाई मैं हमेशा फोक म्यूज़िक को वेस्टर्न म्यूज़िक के साथ फ्यूज़ करके मैंने अपनी आइडेंटिटी पाई है इसी तरह। कोई भी नई राह कोई आदमी चुनता है तो कहीं कई कठिनाइयाँ भी आती हैं, स्पेशली आप पॉप म्यूज़िक महिलाओं के लिए एक नई राह थी इन वे, आपको कठिनाइयाँ आई इसमें? कठिनाई तो बहुत सारी आई। ये राह मैंने वैसे जान बूझ के नहीं चुनी, ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि मैं जो करना चाहती हूँ, मेरे जो वेरियस एप्टीट्यूड्स हैं, जैसे मैं गाना पसंद करती हूँ, परफॉर्मेंस करना पसंद करती हूँ, डांस ट्रेनिंग भी ली है मैंने भरतनाट्यम में, जैज बैले में, इन सब को मिलकर एक आइडेंटिटी बनाना जो है वो एक सिर्फ एक पॉप सिंगर कर सकती है। सिर्फ प्लेबैक करना या सिर्फ थिएटर में एक्टिंग करना या सिर्फ क्लासिकल म्यूजिक करना, तो वो मेरी दूसरे सब टैलेंट्स को दबाती थी। लेकिन ये इसका क्या कारण है? क्योंकि शायद पॉप ग्लैमर से जुड़ा हुआ है, इज दिस द रीजन? ग्लैमर इज जस्ट एन एडिशन। आई मीन मेरे ख्याल से द ग्लैमर हैज टू आल्सो कम फ्रॉम इनसाइड। मेरे ख्याल से इट मस्ट बी देयर इज अ सर्टेन कॉन्फिडेंस दैट कम्स विद बीइंग अ पॉप परफॉर्मर वर्ल्ड वाइड। सुनीता, आप ये जब हौसला कहती हैं, ये पनाश कहती हैं, ये आप में कहाँ से आता है, इतनी शक्ति कहाँ से आती है? भगवान का शुक्र है कि बचपन से ही मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट लड़की थी, और मेरे माता पिता जो हैं, मेरी एंटायर सपोर्ट सिस्टम फैमिली जो हैं, वो हमेशा मुझे इनकरेज करते रहते थे। और आई डोंट नो व्हाई, लेकिन शुरू से मैं अपने आप को थर्ड पर्सन से रिफ़र करती थी,
थर्ड पर्सन के नजरिए से देखती थी। हाँ, मैं हमेशा अपने एक्शंस को अनाउंस करती थी। जब मैं 2 साल की थी 3 साल की थी ये सब मेरे पिताजी कहते हैं मुझे, मुझे तो याद नहीं, लेकिन मैं कहती थी ना, अगर मैं घर आ रही थी, सुनीता हैज कम, नहीं तो मैं सुनीता टेक्स हर जैकेट ऑफ, ये सब जर्मन में बोलती थी मैं वहां पे रहती थी तब बचपन में। लेकिन ये मेरी पर्सनैलिटी थी। दिस इज योर कॉन्फिडेंस दैट बिल्ट अप फ्रॉम द बिगिनिंग, दिस इज व्हाट हेल्प्ड मी। शायद इसी की वजह से जो कठिनाइयां हैं मैं उनको पार करके कुछ न कुछ कर पाई हूँ, क्योंकि इट इज वेरी डिफिकल्ट लाइन, इट इज क्रूअल समटाइम्स। यही हम जानना चाहते हैं, जो कठिनाइयां जो आप बताती हैं, जो क्रूअल्टी है इस लाइन में, वो कैसी, किन तरह की कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ा? सच बात तो ये है कि मुझे पूरी ईमानदारी से कहनी चाहिए कि शुरू शुरू में आई वॉज वेरी लकी, क्योंकि एक के बाद एक असाइनमेंट्स दे वर जस्ट फॉलोइंग इन टू माई लैप, यू नो। शुरू में मैंने जब मैं सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़ रही थी तभी साइमल्टेनियसली थिएटर कर रही थी, तो जब एक प्ले ख़त्म हुआ एविटा तब मुझे ग्रीस लाइटनिंग में लीड रोल मिला, उसके बाद बॉटम्स अप में मुझे लीड रोल मिला, फिर दे आर प्लेइंग आवर सॉन्ग। तो मैं एक ख़त्म करती थी, फिर एक एग्जाम करती थी, फिर एक दूसरा आ जाता था, तो मैं यू नो हमेशा कुछ ना कुछ करती रहती थी और मुझे मज़ा आ रहा था। इन प्लेज में भी क्या, एक्टिंग के साथ साथ गाने का भी? हाँ बिल्कुल, ऑलवेज म्यूजिकल थिएटर, ऑलवेज इन द कैपेसिटी ऑफ अ सिंगर डांसर मैं एक्टिंग कर रही थी। और फिर जब मैंने मेरी पहली एल्बम साइन की थी, इनफैक्ट कॉलेज में थी तभी एचएमबी वालों ने मुझे अप्रोच किया, और कैसे अप्रोच किया उन्होंने, मतलब आपका कहीं गाना सुना या प्ले? संजीव कोहली एचएमबी में थे उस वक्त, उन्होंने मुझे स्टेज पे देखा ग्रीस लाइटनिंग में, उन्होंने कहा कि आप हिंदी पॉप करेंगे। उस वक्त मैंने कहा, मेरे नाक बिल्कुल ऊपर थे, मैं जेवियर्स कॉलेज में पढ़ती हूँ, मैंने कर्नाटक क्लासिकल म्यूजिक सीखी है, मैं पॉप नहीं करूँगी, हिंदी पॉप नहीं करूँगी। फिर 2 साल के बाद मुझे अक्ल आई और मैंने कहा अगर लोगों तक पहुँचना है तो मुझे हिंदी में गाना पड़ेगा, और क्यों नहीं, क्योंकि मुझे हिंदी, मैं हिंदी क्लास में फर्स्ट आती थी हिंदी में, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। तो लुई बैंक्स के साथ मैंने मेरा पहला एल्बम किया, तो फर्स्ट पहले ही मौके में मुझे दूरदर्शन पे एक स्पॉट मिला पॉप टाइम करके, और सबसे पहले 75,000 कॉपीज सोल्ड, प्लैटिनम गोल्ड, सेनोरिता द फर्स्ट, वो बड़ा सा लाल फूल बाल में डाले हुए और रेड एंड ब्लैक स्कर्ट स्विच करते हुए, तो मुझे मज़ा भी आ रहा था और लोग मुझे उसे अप्रिशिएट भी कर रहे थे, तो आई वॉज लकी इन द बिगिनिंग। उसके बाद कठिनाइयाँ शुरू हुई, once you have a success and people know who you are and then you have to constantly prove yourself better than the first time probably, lekin main hamesha apne aap ke sath compete kar rahi thi ki maine ye kya, main isse behtar kya kar sakti hu, aur industry to bahut hi choti si thi, bachchi jaisi thi industry, aur kuch bhi paane ke liye, sponsors milne ke liye, producers ke liye, paise ikatthe karne ke liye, video ka koi sawal hi nahi tha, kyun 89 90 91 92, उस बीच मैंने 2 एल्बम्स किए, लेकिन ना कोई एमटीवी था, ना सब टीवी था, ना चैनल भी था, कुछ नहीं था। तो वैसे ही हम वर्ड ऑफ माउथ के साथ और लाइव शोज करते करते पसीना बहाते बहाते हमने अपना नाम बनाया उन दिनों में। पर एक समय था कि आप उस एक पर्टिकुलर ईयर में आपको बहुत सारे चैनल भी अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट किया गया था, पर आपको चैनल भी अवार्ड नहीं मिला था जहाँ तक मुझे याद है। वो तो एक्चुअली इट वॉज अ होल, इट वॉज एन अनफॉर्चुनेट सिचुएशन, वो जिन्होंने मेरे सब मुझे सब कैटेगरीज में नॉमिनेट किया उनकी बदली हो गई, और अचानक चैनल भी वॉज नॉट रनिंग द शो एनी मोर, अचानक इट वॉज बींग टेकन ओवर बाई समबडी एल्स, तो उनके रूल्स और उनके जो लोग थे, उनके आर्टिस्ट जो थे, उनको उन्होंने आगे बढ़ा दिया, तो उस एल्बम पर मुझे एक भी अवार्ड नहीं मिला। सिर्फ सब नॉमिनेशन भी निकाल दिए गए, सिर्फ व्यूअर्स चॉइस में रखा गया, और इसमें तो यू नो दे आर ओनली 4 पीपल एंड इट डिडंट हैपन। अगर परी उन दिनों में रिलीज हुई होती, इट वुड हैव वॉक्ड अवे विद ऑल द अवार्ड्स, बट दैट डजंट मीन एनीथिंग, बिकॉज इवन दो आई हैव नॉट रिसीव्ड एन अवार्ड फॉर दैट सॉन्ग, आई हैव रिसीव्ड मिलियंस ऑफ रिवॉर्ड्स फॉर इट इन एवरी डे ऑफ माय लाइफ इन सो मेनी वेज। परी हम आपसे सुनना भी चाहेंगे बाद में, पर उससे पहले ये बताइए, परी का जब गाना रिकॉर्ड किया गया उस समय आपकी क्या अपेक्षा थी, आपको लगता था कि इतना बड़ा हिट हो जाएगा ये? किसी को पता नहीं, लेकिन मेरी सबसे कठिन रिकॉर्डिंग जो थी वो थी परी हूँ मैं। मैं रो रही थी स्टूडियो में। परी हूँ मैं जो है वो ख़ास मेरी जो अपनी आइडेंटिटी है उसमें आ गई, और उसे निकालने के लिए मुझे आई हैड टू गो वेरी डीप इनसाइड, और लेज़ली जो थे मेरे प्रोड्यूसर, ही वाज वेरी वेरी मेरे साथ बहुत सख्त थे। हाँ, और उन्होंने कहा नहीं, आई डोंट वॉन्ट यू टू थिंक ऑफ एनी वन एल्स, आई ओनली वॉन्ट यू टू थिंक ऑफ योर सेल्फ एंड द ब्यूटी ऑफ द सॉन्ग एंड सिंग। तो मुझे बहुत मुश्किल, आई वॉज वेरी वेरी टेंस इन द स्टूडियो, और उसके बाद जब मैंने गाना सुना
पूरा डबिंग वबिंग होने के बाद यू नो आंसू बहाए सब कुछ हो गया, तब आई हर्ड दिस सॉन्ग बैक एंड आई सेड थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दिस आउट ऑफ मी. व्हाट इज लेज़लीज रिएक्शन, उनका क्या रिएक्शन था? बहुत कम बात करते हैं वैसे कुछ नहीं कहा उन्होंने उस वक्त. सुनीता आपसे बातें जारी रखेंगे, पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक. सुनीता स्वयं में आपका फिर से एक बार स्वागत है. हाय. हम बात कर रहे थे आपके म्यूजिक एल्बम्स की, परी की बात, परी का गाना हम बाद में सुनेंगे. पहले ये बताइए कि इस क्षेत्र में सक्सेसफुल होने के लिए जो जो प्रॉब्लम्स आपने फेस किए उनमें से क्या थे और अब क्या प्रॉब्लम्स हैं? सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है वो जो प्लान्स, क्रिएटिव प्लान्स होते हैं जो दिमाग में या दिल में क्रिएटिवली पैदा होते हैं, जब वो पैदा होती है और जब तक वो प्रोडक्ट बन ना जाए वो रास्ता बहुत ही लंबा होता है. कैसे? जैसे स्पॉन्सरशिप मिलना आसान होता है, बजट मिलना, रिकॉर्ड कंपनी के साथ सही तरह का कॉन्ट्रैक्ट साइन करना, फिर सही तरह का आई मीन टू फाइंड द गुड म्यूजिक डायरेक्टर जिसे मैं प्रोड्यूसर कहती हूँ, लिरिसिस्ट, उन सबको मेरी इन्वॉल्वमेंट जो होती है वो 100% होती है. मैं ऐसी गायिका नहीं हूँ कि मैं आ जाऊँ कि अच्छा मेरा ट्रैक कहाँ है, यू नो. तो मुझे शुरू से ही मेरे मन में, मेरे जहन में इतने सारे आइडियाज़ हैं, इतने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, घर में इतना मोटा मोटा फाइल पड़ा है कॉन्सेप्ट्स, लिरिकल कॉन्सेप्ट्स के साथ, क्योंकि मैं फिल्मों के लिए जो थोड़ी बहुत मैंने गाया है उसके ऊपर मेरा तो कोई कंट्रोल नहीं है. सिर्फ मेरे एल्बम्स में मैं वो कह सकती हूँ जो मैं कहना चाहती हूँ. तो वो उन्हें लिरिसिस्ट और म्यूजिक डायरेक्टर के तक पहुँचाना और उनके साथ डिस्कस करना, और फिर कभी कभी वो सोचते हैं कि नहीं मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, वो सब यू नो टू for it to gel, it's not very easy. फिर आप एक महिला हैं, उससे शायद और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है लोगों से डील करना. इस क्षेत्र में बहुत इज्जत पाई है मैंने, there's been no problem there. As far as this is concerned, live shows में जब हम organizers के साथ बात करते हैं या तरह तरह के लोग मिलते हैं, it's not very pleasant always talking to organizers, you know. Not always, but I'm pretty experienced. अब तक तो मुझे I know exactly how to deal with them, how to speak with them. और मैं हमेशा इज्जत से बात करती हूँ और उन्हें पता है कि मैं, और अभी I have somebody to do the nitty gritties, you know. तो उनको पहले तो मैं सब खुद करती थी और it's misunderstood. You know, हमारा कहा गलत माना जाता है कभी कभी. हम कुछ कहना चाहते हैं उसका you know, मतलब कुछ और ले लेते हैं, मतलब कुछ और ले लेते हैं कि ये आर्टिस्ट की तरफ से आ रहा है, you know, कोई और कहे तो ठीक है, आर्टिस्ट मस्ट नॉट बी द बैड पर्सन. परफॉर्मेंस की बात से एक चीज याद आती है कि लाइव शोज आपके जो होते हैं उसमें आपकी एक बहुत अद्भुत एनर्जी दिखती है आप में, अद्भुत. लोग स्टेज पे बोलते हैं कि सुनीता में इतनी, जो कि जरूरी भी है मेरे हिसाब से पॉप सिंगिंग में. बिल्कुल. तो आप एक गाने अच्छा गायक गायिका के साथ साथ एक अच्छी परफॉर्मर भी कही जाती है, ये आप में बचपन से है या बाद में कल्टीवेट किया गया? एब्सोल्युटली बचपन से ही है. इट ऑल गोज हैंड इन हैंड, यू नो. बचपन की जो जोश है, जोश थी मुझ में, वो थैंकफुली अब तक है. एंड यू नो द पैशन, ये मोहब्बत जो है मेरी मेरी म्यूजिक के साथ, मेरे डांस के साथ, आई जस्ट लव इट टू डेथ. कौन सी वो कंपनी थी जिसमें आपको पहला ब्रेक मिला और वो कैसे हुआ? आपने बताया कि लुई बैंक का शो आपने किया टीवी पे, उसके बाद नहीं, लुई बैंक ने मेरा पूरा एल्बम बनाया सेनोरिता. तो उसका पॉप टाइम जो प्रोग्राम जो था वो लुई बैंक्स ने ऑब्वियसली मेरे लिए जो म्यूजिक किया उसके ऊपर एक वीडियो हमने बनाया, महेश मथाई ने वो पहला वीडियो बनाया था. केसरिया हमें याद है, बहुत फेमस हुआ था वो. मेरी कॉम्पोजिशन थी, आप पूछ रहे थे क्या मैं लिखती हूँ. केसरिया एक राजस्थानी फोक ट्यून पे बेस्ड था और उसकी कॉम्पोजिशन मैंने की थी. एंड रंजीत ने बहुत अच्छा काम किया उसमें, दहका दहका भी था एक उसमें. मैंने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए, साउथ इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स, खंजीरा, रॉक गिटार, कर्नाटक गिटार, बहुत सारे, बहुत फ्यूजन हुई थी उस एल्बम में. सुनीता कॉन्सर्ट्स की बात हमने की, उसमें आपको कोई ऐसी घटना याद है जिसमें आपको लगा कि एक औरत होते हुए, एक महिला होते हुए ज़्यादा कठिन होता है, या तो ट्रैवलिंग के दौरान ऐसी कोई घटना हुई हो? ट्रैवलिंग में यू नो the usual things, you know, जब आप महिला हैं, आप स्टार हैं, आई मीन लोग आपको देख रहे हैं, तो यू हैव टू बी केयरफुल. हमेशा मेरे साथ मेरी जो टीम है वो हमेशा मेरे साथ रहती है. एंड कभी कभी होता है कि कुछ लोग कुछ ज़्यादा ही आपकी तरफ देख रहे हैं या आपको तंग करते हैं या जो भी हो, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें हैं. हम हमेशा, हमारे कुछ रूल्स होते हैं. ये ज़रूरी बात है कि कोई भी अगर ये करना चाहता है, एनीबडी वॉन्ट्स टू बी इन द लाइन, जस्ट अपने रूल्स, अपने सिक्योरिटी रूल्स वगैरह सख्त
अच्छी तरह से हमें सब क्लियर करनी चाहिए पहले से ही, तो ये प्रॉब्लम्स फेस नहीं करेंगे आप। नहीं, पर म्यूजिक के क्षेत्र की ऐसी कौन सी चुनौतियाँ आपको लगी जो सबसे बड़ी थी पार करना? ऐसे कभी ऐसे आपको मेरे साथ जो हुआ है वो है लोगों की एक माइंड सेट है कि अगर प्लेबैक में सफलता पाई नहीं पाई है तो आप सक्सेसफुल नहीं हैं। ये पार करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि मुझे अपने आप में पता है कि मैं हूँ सक्सेसफुल, मुझे बहुत चीज़ें करने हैं बाकी, बहुत सारे हर्डल्स पार करने हैं, लेकिन फिर भी मेरी जो इच्छा थी वो मैंने की। लेकिन जहाँ भी मैं जाती हूँ, जो भी इंटरव्यूज करती हूँ, स्पेशली स्मॉल टाउन्स में, कहते हैं आप इतनी टैलेंटेड हैं, आपने इतना कुछ पाया, तो आप सब अब तक प्लेबैक क्यों? मैंने वो उसे पहले से ही कहीं पे छोड़ दिया है, यू नो, मैं जो कर रही हूँ लोग सुन रहे हैं मेरे म्यूज़िक, आई एम वेरी प्राउड दैट लोग मेरे गाने के लिए पूछते हैं जब मैं लाइव शोज़ के लिए जाती हूँ। मैं हिंदी फिल्म मेडलीज तो करती रहती हूँ, लेकिन फिर एट द एंड ऑफ द डे उनको परी चाहिए, केसरिया चाहिए, नहीं तो आप किसी भी प्लेबैक सिंगर को ऑर्केस्ट्रा के साथ लेके यू नो आप शो कर सकते हैं, लेकिन अगर सुनीता राव को बुलाया है तो मेरे गाने आप सुनना चाहते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है, और प्लेबैक में मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। आई लव टू डू मोर प्लेबैक। सुनीता, म्यूज़िक के क्षेत्र में भी क्या कोई जेंडर बायस होता है, या मर्दों को ज़्यादा आसानी होती है, वुमेन को इतनी आसानी नहीं होती? ऐसे मेरे साथ जो मेरे जो प्रॉब्लम्स होते रहते थे या होते हैं, मुझे पता नहीं कि वो प्रॉब्लम्स सिर्फ एक पॉप स्टार या पॉप आर्टिस्ट के हैं या एक वुमेन पॉप आर्टिस्ट के हैं, क्योंकि अगर मुझे एक मर्द के साथ कंपेयर मिलने का मौका मिले तो मैं कह सकती हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ यू कैरी योर सेल्फ एंड हाउ डिग्निफाइड यू कैन बी। उसके बाद आप एक आर्टिस्ट हैं, whether you're a man or a woman really does not make a difference if you present yourself correctly। क्या पाना चाहती हैं आप? एक मुकाम पे हैं जो आपने पाया अपनी मेहनत से, इसके बाद क्या पाना चाहती हैं? पाने की बात नहीं है, मैं कुछ पाना नहीं चाहती हूँ, you know, no, I think जिंदगी ने मुझे बहुत कुछ दिया है प्रतिभा, सचमुच मेरे पास जो मौके हैं, मेरे पास घर है, मेरे फ्रेंड्स हैं, क्लोज फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, फैंस हैं, तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं अब जिंदगी कुछ देना चाहती हूँ सचमुच। इट साउंड्स वेरी प्रोफाउंड एंड नोबल एंड ऑल दैट, बट इट्स ट्रू। आई वांट टू गिव बैक टू लाइफ व्हाट शी हैज गिवन मी। एटलीस्ट वन थिंग वी आर श्योर अबाउट, आप वो तो दे ही पाएंगी कि आप महिलाओं के लिए एक आदर्श बन सकें आगे बढ़ने के लिए। आपसे बातें जारी रखेंगे, पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। सुनीता, हमारे शो में आपका दोबारा से स्वागत है। सुनीता, आपने भरतनाट्यम भी सीखा है, आपको हम ये तो नहीं कह सकते कि आप हमारे सामने भरतनाट्यम की एक परफॉर्मेंस दीजिए, नहीं कह सकते हमें बट हम ये जरूर चाहेंगे कि थोड़ा सा गाना आप जरूर सुनाओ, और वो ही हमारा फेवरेट गाना जो है परी हूँ मैं, वो आप सुनना चाहते हैं? थोड़ा सा जरूर सुनेंगे आज। नहीं, आप वही गाएंगे तो दर्शक खुश होंगे मेरे ख्याल से। फूलों में जो नूर है मेरा ही सुरूर है, ओहो आँखों में गुरूर है, ख्वाबों का कुसूर है, थोड़ा सा करार है, थोड़ा सा खुमार है, ओहो किसका इंतजार है, कैसा इंतजार है, ना ना मुझे छूना ना दूर ही रहना, परी हूँ मैं मुझे न छूना, परी हूँ मैं। आई थिंक नाउ यू क्वालिफाइड टू बी अ परी। थैंक यू वेरी मच सुनीता, आप हमारे शो में आई, इतनी सारी अच्छी बातें की, गाना सुनाया, थैंक यू वेरी मच। आप कुछ और अगर गाना चाहेंगी तो आप जरूर गाइए। एक्चुअली एक छोटी सी मैसेज है जो मैंने पहले भी गाया था, ये गाना मैग्नस साउंड के साथ मैंने रिलीज किया ये सिंगल इंडिपेंडेंस डे के लिए, लेकिन आजकल जो दुर्घटनाएं हो रही हैं इस दुनिया में, जो न्यूयॉर्क में हुआ, तो हम दोहराना चाहते हैं ये बात कि छोड़ो ये छोटी छोटी बातें, ओ यारों छोड़ो ये छोटी छोटी बातें, छोटा बनाए छोटी बातें, ओ यारों छोड़ो ये छोटी छोटी बातें, छोड़ो ये छोटी छोटी बातें, ओ यारो छोड़ो ये छोटी छोटी बातें। तो बहुत बढ़िया, काश लोग भी इन बातों पर अमल कर पाए, छोटी छोटी बातें छोड़ दें। आप हमारे शो में आए, एक जाने से पहले एक और चीज़ मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि दर्शकों के लिए कुछ ऐसा मैसेज जो महिला दर्शक जो पॉप सिंगिंग खास तौर पर सीखना चाहती हैं, उनके लिए कुछ ऐसा मैसेज हो जो आप उनको कह सकें, बता सकें कि इस क्षेत्र में सफल होने के लिए क्या क्या करना चाहिए।
सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि एक ही दिशा में जानी चाहिए हमें. यू नो यू मस्ट नो एग्जैक्टली वेयर यू वांट टू गो एंड फोकस. यू नो यू मस्ट नॉट से मुझे दिल्ली जाना है कल तो आज रियाज नहीं होगी. नो डू इट इवन इफ इट्स 20 मिनट्स हाफ एन आवर डू योर रियाज एंड इट विल हेल्प यू गेट प्लेसेस. सुनीता आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा. लोगों को इतना अच्छा मैसेज दिया आपने, हमारे लिए इतना अच्छा गाना गाया. थैंक यू. आप हमारे शो में आई, हम इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. और हम आपको हमेशा शुभकामनाएं देते हैं, सदा आप आगे बढ़े जीवन में. थैंक यू. हमने जाना सुनीता से कि कला जगत में अपना पैर जमाने का और पहचान बनाने का सफर कैसा रहा. सफर चाहे जितना भी मुश्किल था, लेकिन उनमें अपना इच्छित लक्ष्य पाने की इच्छा सच्ची थी, जी विशा सच्ची थी. इसलिए वे कभी भी रुकी नहीं, बल्कि बढ़ती गई अपने दम पर, किसी की तरफ सहायता का हाथ नहीं बढ़ाया. और यही चीज तो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है. वो किसी ने कहा है ना, थी राह बिहड़ गिर पड़ा, फिर झाड़ कर हूँ उठ खड़ा, क्या हार में क्या जीत में बिल्कुल नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले ये भी सही वह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं.